आसान नहीं रहा अंबा प्रसाद के विधायक बनने का सफर। खुद जीप चलाकर पहुंची सबसे कम उम्र की इस विधायक को देखकर लोग हैरान रह गए। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी बीच में ही छोड़कर राजनीति में कदम रखने और हालिया झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर सबसे कम उम्र की विधायक बनने वाली अंबा प्रसाद इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। हाल ही में जब अंबा खुद जीप चलाकर विधानसभा पहुंची तो लोग देखते रह गए। इतना ही नहीं, अब अंबा प्रसाद इस सत्र की पहली अविवाहित विधायक भी हैं। खुद जीप चलाकर विधानसभा पहुंची अंबा प्रसाद से जब मीडिया ने उनकी प्राथमिकताओं को लेकर सवाल किया तो उन्होंने ये कहा, ये आप खुद सुनिए। विधानसभा में बहुत सिंसियरली काम करना है, मेरे जितने भी लोग हैं, सब सीनियर और सब मेरे से, मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे मैं बहुत सारा चीज अच्छा। तस्वीरों में विधायक बनने की खुशी अंबा प्रसाद की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अंबा प्रसाद ने हालिया चुनाव में आजसू के उम्मीदवार को करीब 30,000 वोट से मात देकर विधानसभा पहुंची। हालांकि यहां तक पहुंचने में अंबा को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि अंबा के पिता योगेंद्र साव, माँ और भाई पर अभी कफन सत्याग्रह को लेकर केस चल रहे हैं और पिता अभी भी जेल में हैं, जबकि उनकी मां को राज्य से तड़ी पार कर दिया गया है। बड़कागांव विधानसभा से इसके पहले अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू 2019 में और मां निर्मला देवी ने 2014 में चुनाव जीता था, लेकिन कफन सत्याग्रह के दौरान माता पिता को जेल भेज दिया गया तो अंबा प्रसाद दिल्ली में यूपीएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर आ गई। अंबा प्रसाद ने हजारीबाग में ही वकालत शुरू कर दी और माता पिता और भाई पर दर्ज मुकदमों की पैरवी खुद शुरू कर दी। हाल ही में अंबा प्रसाद ने अदालती लड़ाई के बाद अपने भाई को जेल से तो छुड़ा लिया, लेकिन पिता के लिए अभी भी वे अदालती लड़ाई लड़ रही हैं। चुनाव जीतने के बाद अंबा ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे विधायक बनेंगे, लेकिन माता पिता के जेल जाने और राज्य में बदर होने के बाद उन्होंने शपथ ली थी कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में माता पिता के अधूरे सपनों को वो पूरा करेंगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम संघर्षों के बाद भी अंबा प्रसाद ने चुनाव जीतकर अपने माता पिता की राजनीतिक विरासत को बचाया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।